गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, हरि बोल। कैसे हो आप सब? और आज सुबह सुबह निशु चाय नाश्ता करके लग गए साफ सफाई में। सारे शोपीस को निकाल के उनको अच्छे से क्लीन करके वाइप करके निशु सब अपने अपने जगह पे वापस जाके रख रहे, मतलब अच्छे से ड्राई करके, क्योंकि इनको ऐसे मतलब क्लीनिंग करना ही पड़ता है, इतना डस्ट बैठ जाता है। और ये हम लोग का सबसे फेवरेट शोपीस है हम लोग के घर में, जो निशु ने अच्छे से एकदम क्लीन कर दिया है। और आज क्या बनाऊँ खाने में ना, ये सोचते फाइनली मेरे पास डोसा का बैटर रेडीमेड वाला ऑलरेडी फ्रिज में था। सो देन आई डिसाइडेड कि आई विल मेक उत्तपा, क्योंकि मुझे उत्तपा चटनी बहुत अच्छा लगता है। और यूजली हमारे घर पर ना डोसा उत्तपा सुबह के टाइम पर बनता है, या तो ब्रेकफास्ट में या तो फिर लंच में, क्योंकि रात के टाइम पे कैसा डोसा थोड़ा बोलते ना खट्टा आम्बट पदार्थ होता है, सो वो डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और एज इट इज़ हम लोग लेट खाना ही खाते हैं, 9:30 बजे, ऐसा भी नहीं कि 7-8 बजे खा लेके वो डाइजेस्ट हो जाए। इसके लिए वी अवॉइड कि मैं ऐसा कुछ भी इडली डोसा उत्तपा रात को नहीं बनाती हूँ, डे टाइम में ही बनाती हूँ। तो मैं खूब सारा कोथमीर लेके, कांदा, टमाटर, मिर्ची, कैप्सिकम था मेरे पास एक छोटा सा, तो मैंने वो भी ले लिया। ये रहा कांदा, टमाटर, कोथमीर और हरी मिर्ची मैं बाद में कट करूँगी जब मैं मेरे लिए और मम्मी के लिए बनाऊँगी। उत्तपा में जितना आप वेजिटेबल डालो उतना अच्छा है। जैसे आप इसमें ना कैरेट भी डाल सकते हो कद्दूकस करके, तो वो जल्दी पक भी जाता है और अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। और मेरा चटनी भी हो गया रेडी, इसको मैंने मस्त तड़का दे दिया। जब सर्व करना होगा तब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बारिश रुका है, तो सानू गई है वियाना के घर पे खेलने के लिए। आज भी उन लोग स्कूल को छुट्टी दे रही, क्योंकि सारा वाटर ब्लॉकेज हो गया इस वजह से, क्योंकि इन लोग की बस जो है ना विरार ईस्ट वगैरह से भी बच्चे आते हैं, इसलिए सब बंद कर दिया है। कल शायद स्कूल होगा। और मैं भी फाइनली बैग लेके उतरी हूँ, इसके अंदर और एक बैग लिया है, कांदा, बटाटा, भाजी थोड़ा लेके रखती हूँ, दूध लेके रखती हूँ। तो ऐसे ना बारिश नहीं है तो फट से जाके बोलते ना सामान लेकर आ जाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। हाँ काय लावायचं आहे? हा, वेट 2 मिनिट्स, आम कमिंग। और मैं और सामना अभी जस्ट बाहर से आए एंड चेंज किया, फ्रेश किया, अभी सिर्फ थोड़ा सा मेकअप उतारना बाकी है। एंड कल का व्लॉग तो कंटिन्यू नहीं हुआ, ये आज सेकेंड डे हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ना क्या बोलते हैं, वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट कल का जो सैटरडे का मैं लाइव करने वाली हूँ उसमें आई एम गोइंग टू शो कुर्ती का कलेक्शन। मतलब फर्स्ट हाफ 1 आवर आई विल डू ऑक्सीडाइज का लाइव, उसके बाद सेकेंड हाफ 1 घंटे का जो होगा उसमें मैं कुर्ती दिखाने वाली हूँ, जो लखनवी कॉटन चिकनकारी वर्क वाला आता है ना, वो कॉटन मटेरियल में शॉर्ट कुर्ती है। और वाइट में मैंने लॉन्ग वाला लाया है। मतलब मैं इतने टाइम से ज्वेलरी ऑनलाइन मतलब लाइव में दिखा दी थी आप लोगों को कि ये पीस ऐसा है, ये पीस ऐसा है, और जो मेरे सारे बैग्स, कुर्तीज, ड्रेसेस, साड़ी, मटेरियल्स सब ऑनलाइन सिर्फ ग्रुप में फोटोज जाता था, कभी मैंने इसे घर पे लाया नहीं था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम टुमारो आई एम गोइंग टू डू कुर्तीज का लाइव, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो डू दैट लाइव, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बेसिकली ऐसे वाले कुर्तीज है, देखें, शॉर्ट लेंथ का है, मतलब नी लेंथ से थोड़ा ऊपर है, जो आपका प्रॉपर जीन्स, प्लाजो पैंट, उसके साथ लेगिंग्स के साथ आप पहन सकते हो, डेली वेयर में पहन सकते हो, ऑफिस जाते हो तो पहन सकते हो, स्कूल का अगर आपका जॉब है, ऑफिस का, बैंक का जॉब है, तो ये सारे कपड़े पहनने में बहुत अच्छा है। पूरा कॉटन मटेरियल का है, फुल स्लीव्स का है, फुल वर्कड वाला, ये देखिए पूरा ऐसा वाइट वर्क में है। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर्स है, वो येलो है, दिस इज मेहंदी ग्रीन कलर, दिस इज डार्क ग्रीन कलर, ये एक मैंने ओपन किया, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये कैसे दिखता है, इट्स सो ब्यूटिफुल। मैंने सोचा पहले मैं ना शॉर्ट वाले इससे स्टार्ट करती हूँ, शॉर्ट लेंथ वाले से, फिर लॉन्ग वाले भी लेकर आऊँगी। तो अभी मैं सोच रही धीरे धीरे ना ऐसा कुर्तीज़ का कलेक्शन घर पे लाके सैटरडे टू सैटरडे लाइव में भी दिखाऊँ। सो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने ज़्यादा स्टॉक नहीं मंगाया, पहले मैं देखना चाहती हूँ इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, हाउ पीपल रिएक्ट, क्योंकि अब तक जो भी मुझे बुकिंग आता था वो सब ग्रुप में फोटोज़ के थ्रू ही आता था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं घर पे कल जब सैटरडे का लाइव करूँगी तब सामने से दिखाने वाली हूँ। इसमें से एक कलेक्शन मैं पहनने भी वाली हूँ, आई थिंक आई विल वेयर द येलो कलर, क्योंकि येलो में मेरा साइज़ है 40 नंबर। मैं एक पीस आप लोगों को ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये सब ना एक्चुअली बहुत रीजनेबल रेट में है, तो आई विल शो यू वन कुर्ती ओपन करके। दिस इज बॉटल ग्रीन कलर, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, कॉटन है,
और पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला है, वाइट कलर का धागे से इसकी एम्ब्रॉयडरी की है। इट्स सो ब्यूटीफुल। किसी में सिंगल लाइन एम्ब्रॉयडरी है, किसी में डबल लाइन एम्ब्रॉयडरी है, पूरा यहाँ नीचे तक किया, और सब बीच बीच में ऐसे ना बुट्टीज है, और यहाँ पे स्लीव्स में भी है और नीचे के इसमें भी है। देखिए तो दिस इज बेसिकली आपका इतना कवर कर देगा। कोई कोई इसमें फुल स्लीव है, कोई कोई इसमें 3/4 स्लीव है, लेकिन बहुत प्यारा है ये। देखिए ये पहनने के बाद यहाँ तक आएगा, मतलब फुल स्लीव्स ही है। हाँ मैंने ऊपर पकड़ा था, फुल स्लीव्स ही है और मटेरियल बहुत अच्छा है। इसका लेंथ भी देखिए इतना है, दिस इज द लेंथ। अगर मैं इसको होल्ड करूँ तो, अगर मैं जीन्स पहनूँ ना तो ये मेरा प्रॉपरली ये देखिए नीचे तक इतना पूरा पोर्शन कवर कर देगा, पूरा मेरा हिप्स कवर हो जाएगा। सो अगर आप में से भी बहुत सारे जन ऐसे जो हेल्दी है, जिनको शॉर्ट टी शर्ट्स पहनने पर बहुत अजीब सा फिगर दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, लॉन्ग कुर्तीज चाहिए जिससे आगे से और पीछे से पूरा ऐसा कवर हो जाए हिप्स आपका, तो दिस इज अ परफेक्ट। ये मटेरियल भी बहुत अच्छा है, इसमें कलर इतने सुंदर सुंदर है ना। दिस इज वन ब्यूटीफुल डार्क ग्रीन कलर है, मेहंदी कलर है, इसमें भी इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क देखिए कितना सुंदर किया हुआ है। आगे से ऐसा है और ये नीचे के तरफ है, पूरा हाफ यू में बना है। इसमें ब्यूटीफुल येलो कलर है, और भी कलर है वो वाले रूम में रखा है, और दिस इज ब्यूटीफुल ग्रे कलर। नवरात्रि में भी ये सब कलर बहुत लगने वाले, ग्रे ब्लू पीकॉक कलर, और वाइट में भी है। वाइट में ये लॉन्ग वाला मैं 3 पीस लेकर आई हूँ, साइज 42, 44 और 46 मुझे मिला है। 40 का साइज और 38 इसमें अवेलेबल नहीं था, लेकिन किसी का अगर बुकिंग आएगा तो मैं ऑर्डर से मंगा लूँगी। वाइट वाला भी बहुत अच्छा कॉटन मटेरियल में है, आगे से इसको क्या गोटा बुट्टी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ये राउंड वाला वो किया है, और फुल एम्ब्रॉयडरी है। देखिए पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, स्लीव्स में भी है, यहाँ पे पीछे भी है, यहाँ पे पीछे किया है, और पूरे ड्रेस में आगे बीच बीच में बड़ा वाला एम्ब्रॉयडरी है। वाइट है ना इसलिए इतना क्लियर दिखने रहा है। देखिए सब बड़ा बड़ा पैच ऑफ एम्ब्रॉयडरी का है। ये लॉन्ग लेंथ है जो आपके नी के एकदम नीचे है, मतलब लॉन्ग लेंथ का ये पूरा मेरा, ये देखिए एकदम लॉन्ग लेंथ है, नॉर्मल प्रॉपर अपना लॉन्ग लेंथ का कुर्ती आता है। इसका प्राइस, हाँ मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ इनकेस आप में से किसी को बुकिंग करना होगा तो। ये मेरे हाथ में, दिस इज 38 साइज, इसमें 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 आई थिंक इज द लास्ट साइज, उसके ऊपर वाले साइज नहीं है इसमें। बड़ा साइज भी मैं ट्राई करूँ जैसे 48, 50, क्योंकि इसमें लास्ट साइज जो है ना वो 46 है, इससे बड़ा साइज अवेलेबल नहीं है। मैंने वेंडर से चेक किया, वो लोग चेक करके मुझे रिप्लाई करेंगे। तो ये जो शॉर्ट कुर्ती है इसका प्राइस है सिर्फ 350 रुपीज, येस। और इसमें ना आपको इनर पहनने की भी जरूरत नहीं है, जो मेरा ये वाला मटीरियल है ना चिकनकारी, दिस वन, इसको सबको इनर लगता है। ये देखिए ये वाले जो मटेरियल आते हैं ना लखनवी चिकनकारी, ये थोड़ा सा बोलते हैं ना चरचरी वाला मटेरियल है, जो गर्मी में तो पहना नहीं जा सकता, सिर्फ बारिश में, ठंडी में आप पहन सकते हो, या अगर आप कंफर्टेबल एसी में हो तो। गर्मी में बहुत गर्म होता है इसमें, तो इसमें सब इनर लगता है कवर करने के लिए। लेकिन ये जो मटेरियल है ना ये बहुत अच्छा है, मैंने अभी रिसेंटली पूरा वार्डरोब वापस मेरा क्लीन करके रखा है। ये कॉटन है, और अगर आप डार्क कलर लोगे ना तो आपको अंदर मतलब इनर भी पहनने की जरूरत नहीं है, स्लिप पहनने की भी जरूरत नहीं है, इतना अच्छा डार्क कलर है। देखिए तो रेगुलरली फट से बोलते ना स्कूल वगैरह जाना हो, ऑफिस जाना हो, मीटिंग के लिए जाना, फट से पहन लिया एंड यू सॉर्टेड, आप निकल पड़ो, इतना कंफर्टेबल है। मैंने एक पीस ना ट्राई करके देखा था येलो वाला, पहनने में भी मेरे को 40 वाला साइज एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है, और दिखने में भी इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा पीस लग रहा है। आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दैट येलो 40 जो मैंने ट्राई करके देखा था, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं जो सामने वाले को बेच रही हूँ पहले उसको पहन के देखूँ कैसा दिखता है, फिटिंग है तो बहुत अच्छा फिटिंग था, लेकिन मैं फोटो निकालना भूल गई। अभी देखती हूँ कल लाइव में पहनूंगी ना तब क्या, क्योंकि लाइव में भी मैं वही येलो वाला पहनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वो येलो कलर ही पसंद है। एज यू नो आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ येलो कलर्स, तो मुझे वो येलो और ये व्हाइट, लेकिन मैंने व्हाइट अभी रिसेंटली वो मेरे बर्थडे के टाइम पे मंगाया है, सो इसलिए आई एम नॉट टेकिंग द व्हाइट कलर, बट डेफिनेटली आई थिंक आई विल टेक द येलो और दिस बॉटल ग्रीन कलर। मुझे ये बॉटल ग्रीन कलर भी बहुत पसंद आया, और मेरे पास ये कलर है भी नहीं ऐसा डार्क बॉटल। इसमें बहुत सुंदर कलर्स है, पिंक, ऑलिव ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू और नेवी ब्लू है, येलो है, ग्रे है, मरून है, रेड से मुझे दिखाई नहीं दिया, और मेहंदी कलर भी है। मतलब बहुत सारे जन इसको मेहंदी कलर भी बोलते हैं, ऑलिव कलर भी बोलते हैं, सबका अलग अलग तरीका बोलने का, ठीक है। सो ये
दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू, तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मैं लाइव करूँ और कब सबके साथ मैं इसको शेयर करूँ, और बस मैं वेट करूँ कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, इतना मैं मेहनत लेके कर रही हूँ, ट्राइंग वो देना एक एक नया नया चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को पता है जब मैंने ये फील्ड स्टार्ट किया था ना, बिना कुछ सोचे, बोलते ना एक गट्स फीलिंग पे स्टार्ट किया था कि आई वांट टू डू ज्वेलरी का, ज्वेलरी के जर्नी में करते 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 देन आई वेंट इन टू साड़ी, बैग्स, ड्रेसेस, इसमें धीरे धीरे, मतलब ये जो मेरा 1-1.5 साल का जर्नी रहा है, मैंने खुद बोलते ना अपने जर्नी से अपने मिस्टेक्स सीखे हैं, उससे ही मैं आगे आई हूँ, बाहर आई हूँ। और बोलते ना हर एक दिन चैलेंजिंग डे होता है कि कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे क्या नया करूँ, कैसे कुछ अलग करूँ, एवरी डे इज़ अ चैलेंजिंग डे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको सच में बताऊँ ना, ये काम करके आई एन्जॉय दिस। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप वही काम करो जिसमें आपका मन लगता है, आपको करने की इच्छा होती है, चाह होती है। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है ना, यूट्यूब रील्स, ज्वेलरी, फिर ये कपड़ों का, उसके बाद बुकिंग्स लेना, पैकिंग करना, डिस्पैचिंग करना, ये सब तो मेरा प्रोफेशनल हो गया। पर्सनल में घर संभालना, घर का काम करना, इवन दो सब इतने सारे जन है हेल्पिंग हैंड के लिए, बट स्टिल सानू का सब A to Z करना, फिर उसका पढ़ाई करना, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ टाइमिंग हो जाता है। अदरवाइज़ अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले ना वेयर आई कैन परफॉर्म माई सेल्फ फुली, तो आई थिंक जो मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ ना उससे 4 गुना आगे मैं निकल जाऊँगी। बट वो बोलते ना फिर आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई फैमिली स्पेस एंड आई डोंट वॉन्ट एनी प्रॉब्लम्स टू हैपन। इसलिए मैं सोचूँ जहाँ जितना है, जितने से हो रहा है, जितना हो रहा है उतना ही होने दो। बस यही है कि कंटिन्यू करते रहूँ, आगे बढ़ते रहूँ, और सबसे मेन तो आप लोग का सपोर्ट है। अगर आप लोग मुझे इतना अच्छा सपोर्ट और रिस्पांस नहीं देते, सच में मैं बताऊँ ना, अगर ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मैंने कभी कोई लाइव लेट ज्वाइन किया हो, लेकिन जो लास्ट लाइव हो गया था ना उसमें मेरा एक तो नेट नहीं चल रहा था, तो वो लॉगिन ही नहीं हो रहा था मेरा, तो 11:05 होके गया था एंड लिटरली आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस ऑन माई ज्वेलरी वाला फ़ोन कि इशिता लाइव स्टार्ट हुआ है क्या, लिंक नहीं मिल रहा है। मतलब मुझे ऐसा था कि सो मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर मी टू स्टार्ट द लाइव, वरना मैं सोची थी कि हाँ मैं ही लाइव स्टार्ट करती हूँ, फिर धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं, देन फिर काउंट 14, 15, 21, 30 ऐसा होता है, बट लिटरली पीपल वर वेटिंग। तो वो जो आप लोग का सपोर्ट रिस्पांस मिलता है ना, उसी से ये मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। सो वो इतना मेहनत करने की चाह होनी चाहिए, आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, और प्लस जो आपको पसंद है ना वो काम आपको करना चाहिए। सो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा, यू विल ऑलवेज फील हैप्पी। जबरदस्ती वाला काम कभी नहीं करना चाहिए, जिसमें आपका मन नहीं है, कोई आपको फोर्सफुली करा रहा है, तो वो सब काम में यू विल नेवर गेन सक्सेस, भले आप कितना भी मेहनत कर लो। ठीक है, बनना है डॉक्टर और कोई बोलेगा इंजीनियर बन, इंजीनियर बन, उसकी पढ़ाई कर, लॉ की पढ़ाई कर, सो यू विल नेवर सक्सेस। जो बनना है उसमें ही आप अपना बताना पूरा 100% दो, एंड आई थिंक आई एम ट्राइंग माई 200% टू गिव माई सेल्फ द बेस्ट वॉट आई कैन गिव। सो ये जितना मेरे से हो रहा उतना मैं कर रही हूँ, एंड लेट मी नो आप लोगों को कैसे लगेगी कुर्तीज। इवन दो आप लोग कोई भी इसमें से परचेज नहीं करेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जस्ट लेट मी नो हाउ द कुर्तीज आर। 350 इसका है शॉर्ट वाले का, विच इज़ नॉट एकदम शॉर्ट, इतना भी शॉर्ट नहीं है, अच्छा खासा इसका लेंथ है, और जो लॉन्ग है उसका 499, मतलब 500 का। रेंज भी एकदम अच्छा है, मटेरियल भी एकदम अच्छा है, वर्क बहुत अच्छा है, और कॉटन है, कंफर्टेबल है पहनने के लिए, हर एज वाले पहन सकते हैं, यंग, मिडिल एज, एजड वाले लोग भी पहन सकते हैं इसको। सो येस आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो। अभी के लिए मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बोल चुकी हूँ, फिर और कुछ इसमें ऐड करूँगी तो बहुत लंबा लेंथी व्लॉग बन जाएगा। सो एनीवेज आई जस्ट एंड दिस व्लॉग हियर ओनली। आई होप मेरा सैटरडे का लाइव ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का भी सुपर्ब जाए, एंड प्लस ये कुर्तीज़ का भी बहुत अच्छे से जाए। आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर, एंड आई नो आप लोग का सपोर्ट है। बहुत सारे जन आप में से जिनके पास फेसबुक नहीं है ना, वो नहीं लॉगिन कर पाते, जैसे रूपाली दाई वगैरह, आई फील सैड, लेकिन मेरे को यूट्यूब पे और फेसबुक पे दोनों पे लाइव करना पॉसिबल है। मैं एक सैटरडे 11 बजे कैसे लाइव मैनेज करती हूँ दैट आई ओनली नो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली डूइंग द लाइव, लाइव के पहले की तैयारी जो एक दिन पहले होता है, फिर लाइव करने के पहले की तैयारी, लाइव की तैयारी, लाइव चलता है, लाइव के बाद की जो पूरे बुकिंग्स आते हैं सॉर्ट आउट करना होता है, पेमेंट भेजो, पेमेंट रिसीव करो, डिटेल्स भेजो, एक एक ज्वेलरी का फोटो खींच के भेजो कि क्लाइंट ने क्या बुक किया है, कितने का बुक किया, उसका प्राइस कैसा है, कुरियर चार्जेस कितना लगेगा, कब पहुंचेगा, लॉकिंग करना है नहीं करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आफ्टर लाइव होता है, और वो जो मैस हो जाता है उसको क्लियर करना, फिर घर का देखना, सो इट इज़ नॉट ईजी।
इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ इट इज़ नॉट ईजी बट इट्स योर पैशन विच मेक्स यू डू. तो वही मेरा पैशन है विच मेक्स मी डू और मुझे अच्छा भी लगता है. यू कैन सी द स्माइल ऑन माई फेस. मुझे सच में ये करने में बहुत अच्छा लगता है. इट्स नॉट दैट येस ऑब्वियसली अर्निंग तो है ना. आप मेहनत करते हो तो आप 2, 5, 10, 20 रुपये तो कमाते ही हो. वो तो हर फील्ड में, आप ऑफिस में भी जाते हो तो आप सैलरी लेते हो, बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट लेते हो, तो हर कोई मेहनत करता है तो उसका फल तो मिलता है. बट उसके साथ साथ जो सपोर्ट, जो रिस्पेक्ट एक मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है. मुझे ना हमेशा से ये था कि फॉर माई फैमिली आई हैड टू लीव माई जॉब, माई करियर. तो मुझे हमेशा ऐसा था कि सानू कभी भी ऐसे बड़ी हो के बोलते ना, ऐसे ना बोले कि हाँ मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है, घर पे ही रहती, मेरे पापा काम पे जाते. मतलब मेरे को ऐसा था कि मैंने इतना साल करियर किया 12-13 साल का, उसके बाद घर पे बैठ के जस्ट बीइंग अ हाउसवाइफ. बट इवन द हाउसवाइफ का वर्क इज़ नॉट ईजी. इट्स अ फ्री जॉब विच वी डू विथ फुल बोलते ना 100%. घर संभालना, घर के लोगों को, परिवार को, खुद को संभालना, घर मैनेज करना, इट इज़ नॉट ईजी. तो बीइंग अ हाउसवाइफ इज़ अ वेरी बिग टास्क. मतलब एक घर को चलाना, घर के जिम्मेदारियों को लेके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है. अभी जब मैं खुद हाउसवाइफ बनी हूँ तो मुझे पता चल रहा है, मम्मी बनी हूँ तो पता चल रहा है, वाइफ बनी हूँ तो पता चल रहा है, डॉटर इन लॉ बनी हूँ तो पता चल रहा है कि घर चलाना कितना बोलते ना इम्पॉर्टेंट जॉब जैसा है. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी हैव टू डू और हम लोग इतनी खुशी खुशी करते हैं. सो रिस्पेक्ट ऑल द हाउसवाइफ जो घर पे बैठ के घर संभालते. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू विदाउट एनी जीरो सैलरी, है ना. तो मुझे हमेशा था कि इसके साथ साथ मेरा कुछ तो हो. मतलब मैं हमेशा चाहती थी, आई नेवर वॉन्टेड टू बी जस्ट अ हाउसवाइफ. इवन दो जस्ट अ हाउसवाइफ इज नेवर जस्ट अ हाउसवाइफ, आई डू ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट. बट मुझे हमेशा से था कि नहीं, सानू हमेशा से बोले कि मेरी मम्मी ये करती है, ये भी करती है. तो कभी कभी ना ऐसे बीजू में सानू को पूछती, सानू की मम्मी करती है, तो मुझे बोलते मेरी मम्मी यूट्यूब करती है, मेरी मम्मी ज्वेलरी करती है, मेरी मम्मी घर संभालती है, मेरी मम्मी मुझे संभालती है, हम लोग को संभालती है. सो दैट इज माई अचीवमेंट. ऐसा नहीं है दैट आई डोंट आई कैन गो आउट एंड डू जॉब एंड ऑल, बट अभी मुझे वो करना भी नहीं है. आई एम वेरी मच हैप्पी इन दिस वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड आप लोग का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और हमारा यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, ज्वेलरी फैमिली ऐसे ही बढ़ते 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 जाए और आगे हम लोग जाए और जर्नी इसको बढ़ाते रहे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल ईयर एंड डू लेट मी नो आप लोग को ये कैसा लगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट. ठीक है, तो मैं आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट. एंड सी, जब से मुझे रेशमा ने बोला है ना स्लोली बाय बाय गुड नाइट बोलने की, तब से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग जब एंड करूँ तो गाए गाए में ना एंड करूँ, है ना. सो कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू.